यस मिस आदि। तो आज हम डिफ्यूजन फ्रॉम अ स्फीयर पढ़ेंगे। पिछली स्लाइड्स में हमने क्या पढ़ा था, हमने डिफ्यूजन जो है फ्रॉम अ वेरिएबल एरिया मीटर तक हमने किया था, मगर उसमें भी हमने ट्रंकेटेड कोन वाला किया था, सही है? तो दैट वाज ए पार्ट। बी पार्ट, जब हमारे पास डिफ्यूजन फ्रॉम अ स्फीयर हो रही है, स्फीयर में भी आपके पास जो है वेरिएबल एरिया जो है हो रहा होता है, सही है? एरिया वेरी कर रहा होता है, तब हमारे पास जो है किस तरह जो है मास ट्रांसफर की इक्वेशन किस तरह हमारे पास डिराइव हो गया एंड वो देखेंगे। सो डिफ्यूजन फ्रॉम अ स्फीयर एग्जाम्पल जो है हमारे पास जब हो डिफ्यूजन हो रही थी स्फीयर से, वो क्या क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सब्लिमेशन फ्रॉम अ स्फेरिकल सॉलिड सच एज नेप्थेनी एंड आयोडीन एक्सेट्रा। जब भी हमारे पास सब्लिमेशन फॉर एग्जाम्पल हो रही है फ्रॉम अ स्फेरिकल सॉलिड, यहाँ पे स्फेरिकल सॉलिड की बात हो रही है, यानी हमारे पास डिफ्यूजन हो रही होगी सॉलिड से। सब्लिमेशन का मतलब क्या, आपके पास सॉलिड टू गैस कन्वर्जन हो रही होती है विदाउट कन्वर्टिंग द सॉलिड इनटू लिक्विड, हाँ पर डायरेक्ट जो है कन्वर्जन होती है सॉलिड इनटू गैस। फर्दर मोर हमारे पास जब डिफ्यूजन इन अ स्फेरिकल कैटलिस्ट पैलेट जब हो रही होती है, तब हमारे पास दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम अ स्फीयर। फर्दर मोर एवेपोरेशन फ्रॉम अ ड्रॉपलेट इन प्रिलिंग टावर स्प्रे ड्रायर्स, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। अच्छा, एवेपोरेशन फ्रॉम अ ड्रॉपलेट इन फिलिंग टावर, फॉर एग्जाम्पल हाँ पर जब यूरिया का आपके पास प्लांट होता है फर्टिलाइजर प्लांट, तो उसमें एक प्रिलिंग टावर होता है, उसमें जो है जो प्रिल्स बने होते हैं यूरिया के, यानी प्रिल्स आपके पास ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास स्फेरिकल जो है स्फेरिकल सॉलिड जो है वो जो है आपके पास यूरिया होता है, सही है? उसमें से जो है एवोपरेशन करानी होती है ताकि हमारे पास जो है ड्राइड जो है पैलेट्स हैं वो बने, ड्राइड आपके पास जो है यूरिया फॉर्म में आए, सही? तो उसके लिए हमारे पास एवोपरेशन करते हैं इन अ प्रिलिंग टावर। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द डिफ्यूजन फ्रॉम अ स्फीयर। अच्छा, एवोपरेशन में क्यों करते हैं? बिकॉज हमारे पास जो है पैकेजिंग के लिए हमारे पास जो है वाटर जो कंटेमिनेंट्स ना हो, और जो है फर्दरमो इसकी जो लाइफ है इंक्रीज करने के लिए, इस वजह से जो है एवेपोरेशन हो रही होती है यूरिया की एंड ट्रेलिंग टॉवर। फर्दरमो डेरिवेशन है हमारे पास, डेरिवेशन में हमने क्या कंसिडर किया है कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर एस है, सही है? आर आगे पास डिनोट कर रहा है रेडियस को, इसका सबस्क्रिप्ट एस डिनोट कर रहा है स्फीयर को, विच वॉज प्लेस्ड इन अ कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर नॉट। द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एट द स्फीयर ऑफ रेडियस इज कैप्ट कॉन्स्टेंट एट पी एस। पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए को हम पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वो सरफेस ऑफ स्फीयर पे आपके पास क्या है, पी ए एस है, सही है? ऐसा आपके पास जो है स्फीयर को डिनोट कर रहे कि सरफेस ऑफ पे है आपके पास, सही? और फर्दरमोर आपके पास द स्फेरिकल शेल कंटेन स्टैग्नेंट गैस बी, स्टैग्नेंट गैस बी है जिसका डी ए बी आपके पास कॉन्स्टेंट है, यानी डिफ्यूजन ऑफ कंपोनेंट ए इंटू बी जो है डिफ्यूजन कोफिशिएंट इज कॉन्स्टेंट। द स्फेरिकल शेल कंटेन स्टैग्नेंट गैस बी, यानी आपके पास स्टैग्नेंट गैस बी है स्फेरिकल शेल में। द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एट द बाउंड्री ऑफ द स्फेरिकल शेल इज यूनिफॉर्म एट पी ए बी, बाउंड्री पे आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है बी ए बी पे, जबकि आपके पास पार्शियल प्रेशर एट द सरफेस ऑफ स्फीयर इज पी ए एस। और फर्दरमोर जो है पी ए बी जो है वो लेस देन पी ए एस है, दैट इज आपके पास जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट द सरफेस ऑफ स्फीयर इज मोर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट द बाउंड्री ऑफ द स्फेरिकल शेल। This boundary acts as a sink for component A. Since the diffusion is in steady state, the material between the surface of the sphere and the boundary of the shell can't act as a sink. Equation for steady state diffusion from the surface of the sphere may be expressed as this equation.
हमारे पास जो है स्टडी से डिफ्यूजन इक्वेशन इज फेयर व्हेन NBR इज जीरो, दैट इज आपके पास जो फ्लक्स है मास ट्रांसफर फ्लक्स वो आपके पास जो है कंपोनेंट बी जो है वो जीरो है. NBR जीरो है कब आपके पास, जब जब NBR जीरो होगा तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ ओनली ए कंपोनेंट बन जाएगी, बिकॉज सेकेंड कंपोनेंट क्या था एन ए प्लस एन बी करके था ना, उसके बेसिस पे आपके पास एन ए आर की इक्वेशन बनेगी जब स्टेडी स्टेट इक्वेशन जब एन बी आर जीरो, बिकॉज एन बी आर जीरो इस वजह से भी है बिकॉज आपके पास जो है स्टेगनेंट गैस है बी, बी आपके पास स्टेगनेंट गैस है इस वजह से. एन ए आर जो है इसकी इक्वेशन हमने देखी माइनस डी ए बी पी ओवर आर टी पी माइनस पी ए डी पी ओवर डी आर, बिकॉज हमारे पास एरिया स्फीयर जो है 4πr² होता है तो हमने क्या किया मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4πr², 4πr² के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशन को. देन हमारे पास एन ए आर क्या है, आपके पास रेडियस फ्लक्स एट आर है और एन ए आर बार जो है उसे हम किस तरह डिफाइन कर रहे हैं एन ए आर इंटू 4πr², यानी इस पूरी टर्म को दिस इज द यानी आपके पास फ्लक्स इंटू एरिया दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वान्टिटी आपके पास आ रही है. रीअरेंजिंग इक्वेशन एंड अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, हमने सिंपली इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया है, सही है, जहाँ पे एन ए आर 4πr² था उसकी जगह हमने क्या कर दिया है एन ए आर बार से रिप्रेजेंट करना है उसे. फर्दरमोर जो है सिंपली रीअरेंज किया इक्वेशन को तो हमारे पास जो है आर स्क्वायर वाली टर्म्स को यानी जो डी आर और आर स्क्वायर वाली टर्म्स है उससे सेपरेट आउट कर दिया और जो प्रेशर वाली और डी पी वाली टर्म्स है उससे सेपरेट आउट कर लिया. हमारे पास कॉन्स्टेंट जो है उन्हें हमने जो है इंटीग्रेशन साइन के बाहर जो है हमने शो किया हुआ है बिकॉज जो वेरिएबल्स होते हैं वो सही वही जो है आपके पास जो है चेंज हो रहे होते हैं तो इंटीग्रेशन साइन उन्हीं पर जो है इम्प्लाई होता है. 4πdabpORT वहाँ पर हमने बाहर रखा हुआ सही. फर्दरमोर 1/r² का आपके पास जो है इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या होगा -1/r जो है इंटीग्रेशन करके आपके पास आ रहे. फर्दरमोर आपके पास जो हमने क्या किया कि जो इंटीग्रेशन लिमिट्स हैं वो अप्लाई कर दी RS एंड R0 वो अप्लाई की. देन आपके पास क्या आ गया -1/r0 माइनस का साइन हमने ब्रैकेट के बाहर किया हुआ है. फाइनल माइनस इनिशियल को करते हैं हम. फर्दरमोर हमारे पास यहाँ पे जो इंटीग्रेशन साइन अप्लाई हुआ हुआ है पार्शियल प्रेशर एट द बाउंड्री एंड एट द सरफेस पे दैट इज आपके पास dPa -PA पे सही. तो हमारे पास क्या हो गया ln p माइनस पी ए. फर्दरमोर हमने क्या किया इसमें इंटीग्रेशन लिमिट अप्लाई की तो क्या हो गया ln p माइनस पी ए भी डिवाइड बाय p माइनस पी ए. रीअरेंज किया इक्वेशन को आपके पास जो है -1/rs -1/r0 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया और जो है माइनस का साइन जो है वो जो है यहाँ पे अप्लाई हुआ तो आपके पास अच्छा माइनस का साइन आपके पास दोनों साइड पर था तो वो कैंसिल आउट हो गया. देन इसमें हमने जो है 4πdabp/rt(1/rs-1/r0) ln p माइनस पी ए बी ओवर पी माइनस पी ए दैट इज इक्वल्स टू एन ए आर बार और एन ए आर बार किसके इक्वल है 4πr² एन ए आर के इक्वल है जो कि इस इक्वेशन से गिवन है. अब हमने सिंपल जो है एलसीएम जिसे हम लेते हैं वो हमने लिया है RS R0 सही R0 माइनस RS दैट इज एलसीएम ऑफ दिस ये हमने यहाँ पे लिया हुआ एलसीएम.
यहाँ पे शो हुआ भाई। देन जो सिंपली इस जो एलसीएम लिया था सही है, जो उसे सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ पे लिख दिया, नेक्स्ट स्टेप में आर एस आर नॉट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आर नॉट बाई आर एस डिवाइड हो रहे हैं। देन सिंस आर नॉट जो है आपके पास जो है वो ग्रेटर देन आर एस है, दैट इज हमारे पास जो है माइनस डी एम ए ओवर डी टी टा किसके इक्वल हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर एन ए आर इक्वल्स टू 4 पाई डी ए बी पी आर एस ओवर आर टी एल एन पी माइनस पी बी ओवर पी माइनस पी एस, दैट इज आपके पास जो है ये हो गया। देन आपके पास वेयर माइनस डी एम ए ओवर डी टी टा जो है क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ एवेपरेशन। एम ए जो है आपके पास 4 पाई आर क्यूब रॉ ए ओवर 3 ma है, और जो आर एस क्यूब जो है वो है दैट इज रेडियस ऑफ द स्फेयर इज, अगर क्यूब दिया हुआ आर एस क्यूब इज 3 ma ओवर 4 पाई रॉ ए। रॉ ए आपके पास डेंसिटी ऑफ पार्टिकल ए है, आर आपके पास रेडियस है सिंपल स्फेयर का, अच्छा, और जो है आपके पास एम ए जो है आपके पास मॉलिक्यूलर मास है ऑफ पार्टिकल ए, एंड एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल ए। देन अगर हमारे पास आर एस क्यूब है तो हम आर एस किसका कर सकते हैं 1/3 पावर कर देंगे सही बोथ साइड्स ऑफ द आर एस क्यूब इक्वेशन के, तो आपके पास आर एस आ जाएगा 3 ma ओवर 4 पाई रॉ ए रेज टू द पावर 1/3। सब्स्टिट्यूशन फॉर आर एस इन इक्वेशन एंड इंटीग्रेटिंग इट वी गेट दिस इक्वेशन, आर एस की इक्वेशन हमने सब्स्टिट्यूट की है सिंपली यहाँ पे, और फिर हमने यहाँ पे और इंटीग्रेट करने के बाद जो है और फर्दर मोर एम ए वाली जो ये वाली इसे भी सब्स्टिट्यूट किया है, तो आपके पास जो है आफ्टर इंटीग्रेशन एंड सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ आर एस एंड एम ए हमारे पास जो है थीटा की वैल्यू आई है रॉ ए इक्वेशन जो बनी है रॉ ए आर टी आर एस स्क्वायर ओवर 2 ma डी ए बी पी एल एन पी माइनस पी ए बी ओवर पी माइनस पी एस। एवेपरेशन फ्रॉम अ ड्रॉपलेट कॉज इस टेम्परेचर फॉल टू अ स्टेडी स्टेट वैल्यू कॉल द वेट बल्ब टेम्परेचर। टीटा आपके पास टाइम बता रहा है इसमें क्वेश्चन फॉर द आपके पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आपके पास पता चल जाएगा कि हमने किस तरह जो एग्जाम्पल्स अप्लाई कर सकते हैं और उसे हम किस तरह जो है वैल्यूज से कैलकुलेट करेंगे। डिफ्यूजन फ्रॉम अ स्फीयर की एग्जाम्पल है 2.7 AP सिन्हा की बुक, मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अ वाटर ड्रॉप विद एन इनिशियल डायमीटर ऑफ 2.5 mm सस्पेंडेड ऑन अ थिन वायर इन अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर, द एयर इज एट टेम्परेचर ऑफ 26.65 डिग्री सेंटीग्रेड एट अ टोटल प्रेशर ऑफ 1 atm, मॉइस्चर प्रेजेंस इन द एयर एक्सर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.01036 atm, द वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ द वाटर ड्रॉप इज 15.55 डिग्री सेंटीग्रेड एट विच द टेम्परेचर ऑफ द वेट बल्ब प्रेशर ऑफ वाटर इज 0.01743 atm, द डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ वाटर वेपर एट इट्स एवरेज टेम्परेचर of 21.1 degree centigrade has been estimated to be 0.2607 centimeter square per second. Estimate the time required for complete evaporation of the water drop. The effect of curvature on the vapor pressure of water and convective effect may be neglected. ये assumption दी है। Water drop है, उसकी evaporation हो रही है, उसका हमने time जो है फाइंड आउट करना है जब आपके पास कंप्लीट एवेपरेशन हो जाए वाटर ड्रॉप की।
वाटर ड्रॉप आपके पास स्फेरिकल होता है, सही है, इस वजह से डिफ्यूजन फ्रॉम अ स्फीयर वाली जो इक्वेशन है वो हम जो है अप्लाई करेंगे। इनिशियल डायमीटर जो है वाटर ड्रॉप का वो गिवन है 2.5 मिलीमीटर, और जो है टेम्परेचर जो है 26.65 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है एक टेम्परेचर। टोटल प्रेशर ऑफ 1 atm टोटल प्रेशर दिया हुआ है। मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर एग्जिस्ट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.01036 atm। वेट बल्ब टेम्परेचर जो है ऑफ द वाटर ड्रॉप इज 15.55 डिग्री सेंटीग्रेड, एट विच द टेम्परेचर ऑफ द वाटर वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इज दिस। डिफ्यूजिविटी हमारे पास 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर दी हुई है। अच्छा, डेटा आपके पास है, टेम्परेचर ऑफ एयर आपके पास गिवन है, इनिशियल डायमीटर ऑफ ड्रॉप वाटर ड्रॉप गिवन है, पी ए बी दैट इज 0.01036 atm, ये आपके पास गिवन है। मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर उसका जो पार्शियल प्रेशर, मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर जो है उसका पार्शियल प्रेशर एज हमारे पास पी ए बी से कर रहे हैं, बिकॉज ये आपके पास क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द स्टेगनेंट जो है फ्लूइड। पी आपके पास जो है टोटल प्रेशर है दैट इज 1 atm, टेम्परेचर ऑफ वाटर ड्रॉप जो है इज 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, यहाँ पे दो टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ एयर और एक टेम्परेचर ऑफ वाटर ड्रॉप। वाटर ड्रॉप एवोपरेट हो रही है, सही है, इन टू द एयर। पी ए एस जो है आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए दैट इज वाटर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर एट द सरफेस इज पी ए एस दैट इज 0.01743 atm। डी ए बी आपके पास गिवन है 0.2607 cm² per second एट टेम्परेचर 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज 294.1 केल्विन। हमने टाइम जो है फाइंड आउट करना है। इनिशियल रेडियस ऑफ वाटर ड्रॉप जो है 2.5 मिलीमीटर का डायमीटर था। डायमीटर अवर टू क्या होता है, आपके पास रेडियस होता है, हाफ ऑफ द डायमीटर इज रेडियस, तो आपके पास जो है 1.25 मिलीमीटर रेडियस है। इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर आपके पास जो है कन्वर्ट कर लेंगे दैट इज 0.125 सेंटीमीटर। एवरेज टेम्परेचर ऑफ वाटर ड्रॉप हमने कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमने क्या किया है कि एयर का टेम्परेचर जो मॉइस्चर का टेम्परेचर था, फर्दर मोर जो वाटर ड्रॉप का टेम्परेचर था उसका एवरेज लिया है, सही, फॉर द एवरेज टेम्परेचर ऑफ वाटर ड्रॉप हमारे पास आ गया 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इन टर्म्स ऑफ केल्विन हमने कन्वर्ट कर दिया, दैट इज हमने 2 सेंटीग्रेड प्लस किया है इन 21.1 ताकि हम कन्वर्ट कर सकें इन केल्विन में, दैट इज 294.1 केल्विन। फॉर वाटर आपके पास मॉलिक्यूलर वेट जो होता है दैट इज 18, रॉ ए डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1 g/cm³। आपके पास जो जो इक्वेशन है फॉर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट एवेपोरेशन इज दिस। सो हमारे पास रॉ ए पता है 1 g/cm³, आर हम जो है जो सीजीएस सिस्टम वाला है वो यूज़ करेंगे दैट इज 82.06, टेम्परेचर जो है 294.1 केल्विन, आर एस जो है वो आपके पास रेडियस ऑफ स्फीयर दैट इज 0.125 सेंटीमीटर, एम ए आपके पास 18 है, डी ए बी हमारे पास गिवन था दैट वाज 0.2607 g/cm² per second, प्रेशर 1 atm गिवन था, पी 1 है, पी ए बी आपके पास 0.01036 था, पी फिर से 1 माइनस, और पी एस आपके पास गिवन था 0.01743, तो आपके पास सिंपली जो है टाइम आ गया 6217.5 सेकेंड। आर में कन्वर्जन के लिए हमने 3600 से डिवाइड कर दिए, तो आपके पास क्या हो गया, टीटा आ गया है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट एवेपोरेशन इज 1.727 आर।
अब जो है मैं एक प्रेजेंटेशन देने वाली हूँ आप लोगों को कि जो है उसमें क्या होगा कि मास ट्रांसफर ऑपरेशंस जो हैं जितने भी आपके पास इंडस्ट्रीज में अप्लाई हो रहे हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर एक ग्रुप है से एक ग्रुप के वाइज जो आपके पास प्रेजेंटेशन होगी, 5 मेंबर्स होंगे ईच ग्रुप में और हर जो है ग्रुप की जो है सेपरेट इंडस्ट्री जो है वो लेंगे। और उस जो है फॉर एग्जांपल हाँ आपके पास शुगर इंडस्ट्री हो गई या फिर आपके पास रिफाइनरी हो गई, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हो गई, कोई भी इंडस्ट्री आप जो है उठाएंगे जहाँ पे आपके पास मास ट्रांसफर ऑपरेशन हो और उस ऑपरेशन को जो है आप जो है उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में अगर प्रेलिंग टावर्स यूज हो रहे हैं, एवेपरेशन हो रही होगी सही, तो आपके पास एवेपरेशन हो रही है, मास ट्रांसफर हो रहा है सही है, और हीट ट्रांसफर भी हो रहा होता है इसमें साथ साथ। फर्दर आपके पास जो है ड्रायर यूज हो रहे हैं, ड्रायर में आपके पास मास ट्रांसफर हीट ट्रांसफर दोनों हो रहे हैं, या आपके पास फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर सही। आपने क्या बताना है जो भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री फॉर एग्जाम्पल एक इंडस्ट्री की मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसमें जो आपके पास रॉ मटेरियल क्या था सारे जो है जो आपके पास प्रोसेस किस तरह जो है वो हुआ, उसमें क्या क्या जो आपके पास जो है इक्विपमेंट्स कौन से यूज़ हुए, फाइनल प्रोडक्ट क्या था यानी इनिशियल टू फाइनल क्या था सही है। उसमें जितने भी आपके पास जो है मास ट्रांसफर ऑपरेशन जो है यूज़ हो रहे हैं वो आपने जो है ब्रीफली डिस्क्राइब करने हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें एब्जॉर्बर किसी में यूज़ हो रहा होगा, किसी साथ साथ में किसी में जो है लिक्विड का एक्सट्रैक्शन क्या यूज़ हो रहा है सही। अगर जो है आपके पास मास ट्रांसफर ऑपरेशन कौन कौन से हैं या फिर ये मास ट्रांसफर ऑपरेशन है या नहीं है, तो मैंने जो है बुक जो है शेयर की हुई है तो वहाँ से भी आप मास ट्रांसफर ऑपरेशन देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है लीचिंग हो गया, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन है, एब्जॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन डिसलेशन एंड फर्दर मोर बहुत से और भी हैं आपके पास। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आपके पास जो है ये आपके पास मास ट्रांसफर ऑपरेशन हैं। सो क्लास का सी आर कौन है, जो भी सी आर हैं सही है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ए का सी आर, ग्रुप बी का सी आर, बल्कि ए की सी आर को आप जो है दे दें और ग्रुप जो है बता दें कि ये ग्रुप है और जो है इनका टॉपिक ये होगा। और नेक्स्ट जो ट्यूसडे आएगा उसमें मैं प्रेजेंटेशन दूंगी। और जो है कोई भी टॉपिक फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री ली है एक ने फर्टिलाइजर सही है, दूसरा ग्रुप फर्टिलाइजर इंडस्ट्री नहीं ले सकता, इंडस्ट्री रिपीट नहीं होनी चाहिए ये माइंड में रखिएगा। अच्छा प्रेजेंटेशन जो है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। अच्छा एक सीआर को जो है सब अपनी जो है प्रेजेंटेशन टॉपिक और जो है आपके पास जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो जो है सबमिट करा दें सही है, कि ये ग्रुप मेंबर्स और ये प्रेजेंटेशन टॉपिक है। और सीआर ये करे कि जो जो फाइल बन रही होगी इसकी वो जो है मुझे ईमेल कर दें जिसमें ग्रुप मेंबर्स हों। प्रेजेंटेशंस बता दें किस तरीके से मतलब क्या करना है उसमें। अच्छा मैं रिपीट कर देती हूँ, नेक्स्ट ट्यूसडे यानी जो कमिंग ट्यूसडे आ रहा है उसमें जो है प्रेजेंटेशन होगी। प्रेजेंटेशन में क्या करना है कि आपने कोई भी इंडस्ट्री जो है केमिकल इंडस्ट्री वो आपने चूज करनी। फॉर एग्जाम्पल आपने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री चूज कर ली या शुगर इंडस्ट्री रिफाइनरी चूज कर ली या आपने चूज़ की, अब उसमें जो है जो मास ट्रांसफर ऑपरेशंस हैं वो आपने डिफाइन करने हैं सही। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की मैं अगर मैं बात कर रही हूँ सही, इसमें आपके पास जो है यूरिया फॉर्म हो रहा होता है सही। अब क्या हमने इंग्रेडिएंट्स क्या लिए, रॉ मटेरियल्स क्या थे, देन आपके पास रॉ मटेरियल के साथ हमने क्या किया, एब्जॉर्बर से जो है यूज़ किया, एब्जॉर्बर यूज़ किया
ड्रायर यूज़ किया, प्रिंट आवर यूज़ किया, जो भी हमारे पास यूज़ हो रहे हैं ना मास ट्रांसफर ऑपरेशन, वो हमने ब्रीफली डिस्क्राइब करने हैं. अच्छा, मास ट्रांसफर ऑपरेशन क्या क्या है वो जो है मैंने बुक जो है आपके पास शेयर की हुई है, अगर कन्फ्यूजन हो तो वहाँ से आप भी आप देख सकते हैं कि मास ट्रांसफर ऑपरेशन होते क्या हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास लीचिंग है, लिक्विड लिक्विड एक्सेशन, एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन, डिसलेशन, जो से भी इक्विपमेंट्स में मास ट्रांसफर हो रहा है, सही है, मास ट्रांसफर ऑपरेशन हो रहा है, दैट इज मास ट्रांसफर इक्विपमेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिफाइन जगह पे जी है वहाँ, वो ये जो आप कह रही हैं जो प्रोसेस है मास ट्रांसफर के, तो ये बुक कहाँ होंगे, किस चैप्टर में होंगे? हम लोग मतलब चैप्टर 2 ही पढ़ा है, वो भी अभी हमने सिर्फ आधा सा पढ़ा है. अच्छा, आप सबसे पहले क्या करें, मास ट्रांसफर ऑपरेशन फाइंड आउट करने के लिए इंडेक्स देख लीजिएगा. सबसे पहले टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स होता है ना बुक का, वो देख के मास ट्रांसफर ऑपरेशन की जो है, फॉर एग्जाम्पल डिस्टिले एक जो है हेडिंग बनी हुई होगी उसके अंदर बताया होगा. फॉर एग्जाम्पल आपके पास डिस्टिलेशन का एक टॉप वो जो है चैप्टर होगा, एक आपके पास जो है एब्जॉर्प्शन का चैप्टर होगा, एक एड्सॉर्प्शन का चैप्टर होगा. मास ट्रांसफर ऑपरेशंस अगर आपके पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मैं अभी शेयर कर लेती हूँ, सही, या फिर सिंपल आप जो है वो भी गूगल भी कर सकते हैं. मैम ये देखिए डिस्टिलेशन आप कह रही हैं और ये सब कह रही हैं, कितने बड़े बड़े हैं ये, तो इसमें से हम क्या टॉपिक उठाएंगे? उस बुक जो एपी सिन्हा की बुक है उसका नाम क्या है, मास ट्रांसफर प्रिंसिपल्स एंड ऑपरेशंस, सही. इसमें फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन है, सेकंड डिफ्यूजन है, मास ट्रांसफर कोफिशिएंट है आपके पास, इंटरफेस है, मेथड ऑपरेशन एंड कंप्यूटेशन, इक्विपमेंट फॉर गैस लिक्विड कॉन्टैक्ट. गैस एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन आपके पास एब्जॉर्प्शन जो है दैट इज मास ट्रांसफर ऑपरेशन, डिस्टिलेशन है, ह्यूमिडिफिकेशन, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, लीचिंग, ड्राइंग, ऑक्सीडाइजेशन, ऑप्शन एंड क्रोमेटोग्राफी, मेम्ब्रेन सेपरेशन है जिसमें आपके पास माइक्रो फिल्ट्रेशन हो गया, नैनो फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. ये आगे पास मास ट्रांसफर ऑपरेशन हैं. तो आपने करना क्या है, सिंपली कोई भी इंडस्ट्री चूज करें. फॉर एग्जांपल अगर मैं रिफाइनरी चूज कर रही हूँ तो उसमें डिसलेशन आ जाएगा, सही, डिसलेशन कॉलम होगा. कोई भी इंडस्ट्री चूज करें और फिर उसके उसमें जो मास ट्रांसफर ऑपरेशंस हो रहे हैं वो आप डिस्क्राइब करें, सही. आप नेट की जो हेल्प ले सकते हैं, आराम से नेट की हेल्प लें, रिसर्च पेपर से अगर हेल्प लेना चाह रहे हैं वो भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू. मिस इसके मार्क्स कितने मार्क्स होंगे? इसके 5 मार्क्स हैं. मैम जो इंडस्ट्री ले रहे हैं उसका नाम भी लिखना होगा? हाँ, इंडस्ट्री जो चूज कर रहे हैं उसका नाम जो है मेंशन करना होगा. अच्छा, किसी हर ग्रुप की जो है सेपरेट इंडस्ट्री होगी. फॉर एग्जांपल अगर किसी ने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री चूज कर ली है तो दूसरे ग्रुप की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री नहीं होगी, सही. तो सीआर को मैं मास ट्रांसफर वगैरह में सनी एमएस इंडस्ट्री में काम होते हैं, इसमें हो गया फर्टिलाइजर, हो गया शुगर, हो गया मटेरियल, हो गया मास ट्रांसफर. आपके पास जो है ऑलमोस्ट आपके पास हर इंडस्ट्री में यूज हो रहा था, केमिकल इंडस्ट्री में. मगर आपने जो फॉर एग्जांपल जो इंडस्ट्री जो चूज करनी है ना वो सेपरेट हो. फॉर एग्जांपल एक ही फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में मास ट्रांसफर ऑपरेशन बहुत सारे यूज हो रहे होंगे, सही. किसी की आपके पास जो है शुगर इंडस्ट्री है, सही, उसमें भी जो है मास ट्रांसफर ऑपरेशन हो रहे होंगे, एब्जॉर्प्शन हो गया, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन हो गया, इस तरह की चीज़ें. तो सीआर कौन है यहाँ पे जो मुझे जो है टॉपिक्स और जो ग्रुप है वो मुझे जीरो वन, जीरो वन. अच्छा, 01. अच्छा, 01 प्रेजेंट है जी.
जी मैम प्रेजेंट हूँ जी। 01 आपने ये करना है कि जो भी स्टूडेंट्स का ग्रुप बन रहा है वो अपने पास नोट डाउन करते जाएं, सही है, और जो है मुझे वर्ड की फाइल या एक्सेल की फाइल जो भी आके लिए जो है सही लग रही है, सही है। वर्ड की फाइल में आपने क्या करना है, ग्रुप कौन सा है, सही है, मेंबर्स कौन से हैं, रोल नंबर सिंपल बता दीजिएगा, रोल नंबर ये है, सही है, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 या फिर 77 भी इसमें है, मैं सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, इनका जो एक ग्रुप बना हुआ है, सही है, इस तरह करके, और जो इसका टॉपिक क्या है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है कौन सा टॉपिक है, वो आपने मुझे जो है कम्युनिकेट करना है। अच्छा, टॉपिक्स डिसाइड कर लें आप थर्सडे तक। जी मैम इंशाल्लाह कर देंगे। सही, थर्सडे तक डिसाइड कर लें, और जो 01 रोल नंबर है उन्हें जो है आप जो है सारे टॉपिक्स जो है कम्युनिकेट कर दीजिएगा। यस, एक ग्रुप एक टॉपिक के ऊपर बनाएगा प्रेजेंटेशन। विद इन ग्रुप जो है आप जो है 5 मेंबर्स है विद इन ग्रुप, अब जो है अब आपस में जो डिसाइड कर लें कि कौन, इसमें भी जो ग्रुप मेंबर्स है ना, तो आपस में डिसाइड कर लें कि मैं ये टॉपिक करूंगा इसमें, फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एब्जॉर्प्शन आ रही है, एब्जॉर्प्शन आ रही है जो भी आ रहा है इसमें, सही है, ड्राइंग ये मैं बता दूंगा, फिर सेकेंड मेंबर जो है ये आपके पास ये जो डिस्क्राइब करेगा दूसरे टॉपिक्स उसी में ही, सही है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर ही, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो जो भी आपने जो प्रेजेंट करना है विद इन द ग्रुप, सही, हर मेंबर ने जो प्रेजेंट करना है, टॉपिक्स जो है आप जो अंदर जो सब टॉपिक्स है वो अपने पास जो खुद ही जो है डिवाइड कर लें, सही। क्लियर है मैम? वो हम ए सेक्शन और बी सेक्शन मिलकर कर सकते हैं, तो कोई बंदे आ जाए हमारे सेक्शन में ग्रुप में, या सिर्फ ए सेक्शन वाले ऐसा जरूरी नहीं है कि जो है ए सेक्शन के अलग बन रहे हो बी सेक्शन के अलग बन रहे हो, आपकी मर्जी है जो ग्रुप मेंबर्स हैं, अगर जो है बी सेक्शन वाला कोई ए सेक्शन में आना चाहता है ग्रुप में तो आ सकते हैं, इसकी मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। अच्छा, एनी मोर क्वेश्चंस? इस प्रेजेंटेशन कब देनी है? क्या चीज? ट्यूसडे नेक्स्ट ट्यूसडे होगी प्रेजेंटेशन, थर्सडे तक जो है टॉपिक्स जो है डिसाइड करके फाइनलाइज करके सीआर को भेज दीजिएगा। एंड देन ट्यूसडे को आपके पास जो है प्रेजेंटेशंस आप सब प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, प्रेजेंटेशन जो है उसका टाइम जो है मैं बता दूंगी कल की क्लास में, पर दमो आपके पास कम से कम जो है टाइम में जो है प्रेजेंट करने की कोशिश कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास मैक्सिमम मैं 7 मिनट्स दे रही हूँ, सही, मैक्सिमम 7 मिनट्स में जो है एक प्रेजेंटेशन जो है हो जानी चाहिए। 7 मिनट्स इन अ ग्रुप, बस 1 मिनट की स्टार्टिंग हो जाएगी, 1 मिनट की एंडिंग हो जाएगी, बीच में 5 स्टूडेंट है तो वो क्या है कि मिनट करेंगे। अच्छा, कितने मिनट्स करूं? 15 मिनट काफी है मैम, 5 मिनट काफी है, बस 10 मिनट्स चाहिए, 10 मिनट्स चाहिए मैम, सब एक एक मिनट बोलेंगे बस। नहीं, अच्छा मैं 7 मिनट्स कर रही हूँ, प्लस माइनस आपके पास 2-3 मिनट्स हो सकते हैं, सही है, माइनस ना हो, सही है, प्लस में आपके पास हो सकते हैं 10 मिनट्स तक मैक्सिमम, 7 मिनट्स तक की आप प्रेजेंटेशन रेडी कर लीजिएगा। जब आप जो है प्रेजेंटेशन बना रहे होंगे तो आप फिर रिहर्सल करके आप देख लीजिएगा कितने मिनट्स की हो रही है। ओके मिस, क्लास एंड हो गई? जी, क्लास एंड हो रही है।